जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया था ना, आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है वही आज की क्लास में समझना है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट है क्या। करें कि आउटपुट इज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद का रिजल्ट हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द थर्ड ऑपरेशन, और ये हमारे कंप्यूटर का तीसरा कार्य होता है। और कह रहा है कि द कंप्यूटर शोज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन ए वे पीपुल कैन अंडरस्टैंड। कह रहा है कि द कंप्यूटर हमारा रिजल्ट दिखाता है प्रोसेसिंग के बाद, और ऐसा रिजल्ट दिखाता है जिसको हम आसानी तरीके से समझ सके। और फिर कह रहा है कि डाटा प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन, यह डाटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन के रूप में हमको रिजल्ट देता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे अपनी कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं तो देन सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू में होती है। क्योंकि जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक हम उसका रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी डेटा को प्रोसेसिंग, जब तक मतलब कोई भी डेटा, जैसे कि आपने कीबोर्ड से डेटा इनपुट कराया, उसकी प्रोसेसिंग हमारे सीपीयू में होती है। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक हमको रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जिसको हम आउटपुट डिवाइस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है आउटपुट डिवाइस एग्जाम्पल्स, जैसे कि स्पीकर हो गया आपका, हेडफोन्स हो गया आपका, स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और प्लॉटर्स हो गया, ये सब एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोजेक्टर अगर डिवाइस अगर जो है आउटपुट डिवाइस है तो क्यों, तो एज एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ, तो प्रोजेक्टर का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं। तो कह रहा है कि इनका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम और ऑडिटोरियम में किया जाता है। कह रहा है कि इनका इस्तेमाल कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लासरूम में और ऑडिटोरियम में किया जाता है। और कह रहा है कि इनकी इमेज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लेंसेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, और इसीलिए ये छोटी सी इमेज को भी बड़े रूप में दिखाने में क्या होते हैं, सफल होते हैं। क्योंकि इमेज लाइट से बनी होती है और इसीलिए इमेज हमारे क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर का इस्तेमाल आपने देखा होगा, अभी तो फिलहाल में मान के चलिए कि हम क्लास पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक छोटी सी मॉनिटर स्क्रीन के माध्यम से हम सारी क्लास में बैठने वाले सारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि स्क्रीन स्क्रीन इसकी क्या होती है, छोटी होती है। और इसी स्क्रीन को अगर हम बड़ा रूप में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट आती है। प्रोजेक्टर के माध्यम से हम इस स्क्रीन को आसानी तरीके से बड़ा करके हम सबके सामने पेश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और इसका प्रयोग क्लासरूम में जो मैंने अभी आपको बताया, ऑडिटोरियम में भी किया जाता है, बड़े बड़े मीटिंग हॉल में भी आपने देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट का आपको जो है डेमो वगैरह दिखाने के लिए, या बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उसको कस्टमर को जो है जैसे कि मान के चलिए कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना होता है, तो इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से हम पूरी की पूरी जानकारियां देने का काम करते हैं। और आपने देखा भी होगा सिटी मॉल वगैरह में, जैसे कि जहाँ सिनेमा हॉल वगैरह होता है वहां पर भी प्रोजेक्टर के माध्यम से मूवी प्रोजेक्ट कराया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे प्रोजेक्टर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की डेटा को बड़े पर्दों पे दिखाने का क्या करता है, काम करता है, एक प्रकार का प्रोजेक्टर होता है। अब चलिए अगला आता है मॉनिटर। अगला क्या दिया है, मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर की टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, और यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। और कह रहा है कि जो कि सीपीयू की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। मतलब सीपीयू में आपने कौन सा डेटा आपने इनपुट कराया है, कौन सा इंफॉर्मेशन आपने दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर ये शो करके दिखाता है। और फिर कह रहा है कि यह एक इंटरफेस की तरह होता है, सीपीयू और यूजर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। एक हमारा सीपीयू और एक हमारा यूजर, जो हम सिस्टम को ऑपरेट करने एक प्रकार का जो यूज कर रहा है वो सिस्टम का यूजर होता है, वो दोनों को आपस में जोड़ने का काम हमारा मॉनिटर करता है। और फिर कह रहा है कि यह सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे वीडियो एडाप्टर यानी कि बीजीए केबल के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे कि आप जब लैब में जाइएगा तो आप केयर करिएगा मॉनिटर में, ये जो मॉनिटर आपके सामने होता है इसमें ब्लू कलर का एक बीजीए केबल भी लगा होता है, ब्लू कलर का एक बिजी केबल लगा हुआ है।
और वही बीजीए केबल के माध्यम से हम अपनी जो भी हमारे सीपीयू में डेटा होता है उसको हम मॉनिटर के माध्यम से आसानी तरीके से देख पाते हैं। एक बीजीए केबल, जो बीजीए केबल होता है उसको दो पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट हम सीपीयू में लगाते हैं और एक पोर्ट हमारा किसमें होता है, मॉनिटर पे होता है। और जब दोनों पोर्ट को हम कनेक्ट करते हैं तब हमारी सीपीयू की इंफॉर्मेशन को मॉनिटर हमारा दिखाने का काम करता है। और बीजीए का पूरा नाम होता है वीडियो एडाप्टर, वीडियो ग्राफिक एरे होता है इसका पूरा नाम। इसके बाद से आता है टाइल्स ऑफ मॉनिटर। अब कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं, किस मॉनिटर का क्या नाम होता है, अभी तो मान के चलिए कि मॉनिटर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया कि मॉनिटर एक प्रकार का हमारा क्या करता है, हमारे सीपीयू की इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर शो करके दिखाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर, और सीआरटी का पूरा नाम क्या लिखा है, कैथोड रे ट्यूब। इसमें बताया जा रहा है कि इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। और कह रहा है कि सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सीआरटी मॉनिटर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। और कह रहा है कि जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम और कैथोड रे को उत्सर्जित करती है, और यह कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बीम इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके। और कह रहा है कि सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, इसीलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो हमारे पिक्सल क्या होते हैं, चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देता है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, सीआरटी मॉनिटर के बारे में बताया जा रहा है। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, एक प्रकार का ये ऐसा मॉनिटर है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, तो कह रहा है कि यहाँ पे जैसे कि इसमें इसका प्रयोग यहाँ पे लिखा भी इलेक्ट्रॉनिक बीम इलेक्ट्रॉनिक इससे पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसको कम किया जा सके, और सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है, इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बीम स्क्रीन से टकराती है तो इसकी स्क्रीन पे जो पिक्सल होते हैं वो क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। जैसे क्या होता है, हमारी मोबाइल का भी स्क्रीन होता है, जैसे आपने केयर किया होगा जब मोबाइल की स्क्रीन जब टूटती है तो वो एक जगह से नहीं टूटता है, कई जगह से खंड खंड हो जाता है और उसमें शाइनिंग टाइप का कुछ एलिमेंट हमको दिखाई देता है, एक प्रकार का वही हमारा पिक्सल होता है। बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से मिल करके हमारे मॉनिटर स्क्रीन का निर्माण होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, पिक्सल होता है। तो बहुत सारे जब पिक्सल मिलेंगे तभी तो मॉनिटर स्क्रीन बनेगी, और वही कह रहा है कि जब पिक्सल हमारे चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर इमेज या लेआउट दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे जो पिक्सल होते हैं वो जब चमकते हैं तब हमारी स्क्रीन पर जो इमेज या बनता है उसको हम आसानी तरीके से अपने मॉनिटर के माध्यम से देख पाते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से जो अगला मॉनिटर आता है वो है एलसीडी मॉनिटर। देखिए आपने नाम तो सब सुना होगा लेकिन इसके बारे में अभी आपको आइडिया नहीं होगा कि एलसीडी का मॉनिटर होता क्या है, वही मॉनिटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो कह रहा है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और कह रहा है कि एलसीडी पतला से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर होता है, इसके नाम से ही इसके काम का पता लग सकता है, इसमें ग्राफिक्स की प्रदर्शन के लिए स्क्रीन में लिक्विड फ्लो करते हैं जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है और यह कम जगह भी लेता है। ये किसकी बात हो रही है, एलसीडी की बात हो रही है। एलसीडी कम जगह लेता है और कम ऊर्जा भी लेता है तथा पारंपरिक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की अपेक्षा कृत हीट होता है और एलसीडी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। मतलब जो एलसीडी होता है वो कह रहा है कि अभी मैंने आपको जो सीआरटी के बारे में पढ़ाया है उसकी अपेक्षा ये कम हीट होता है और ये कम जगह भी लेता है, और फिर कह रहा है कि तथा तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति भी बनाता है, और ये कह रहा है कि एलसीडी जो मॉनिटर होता है वो डायरेक्टली प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, एक प्रकार का एलसीडी मॉनिटर होता है जिसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये सब मॉनिटर के बारे में पढ़ा रहे हैं जो सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला क्या पॉइंट आता है, तो अगला आपका दिया है टीएफटी मॉनिटर, और टीएफटी का पूरा नाम होता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, और कह रहा है कि टीएफटी मॉनिटर में प्रकाश को परावर्तित करने वाली एक पतली लेयर होती है और सीआरटी तकनीक के स्थान पर यह तकनीक विकसित किया गया। यह तकनीक किसके स्थान पर लाया गया, सीआरटी के स्थान पर लाया गया, सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। कह रहा है कि यह तकनीक विकसित की गई जिसमें केमिकल वो गैसों को एक प्लेट में रख करके उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है और यह बहुत पतली स्क्रीन वाली होती है। जो टीएफटी मॉनिटर होता है इसकी स्क्रीन क्या होती है, बहुत ही पतले लेयर का होता है,
और फिर कह रहा है कि फ्लैट पैनल वजन में हल्का होता है तथा बिजली की कम खपत करने वाली भी होती है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, और ये बहुत पतले लेयर का होता है। अब चलिए अगला मॉनिटर का नाम एलईडी मॉनिटर। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। और एलईडी को आईआरईडी इनफेयर्ड इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि एलईडी से जो आउटपुट निकलता है उसकी रेंज लाल, हरा व नीला होता है। और कह रहा है कि एलईडी में दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक आपका पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इनका वजन एलसीडी से भी ज्यादा क्या होता है, हल्का होता है। या ऐसा मॉनिटर है जिसका वजन के बारे में बात किया जाए तो इसका जो वेट होता है ये भी एलसीडी से भी क्या होता है, बिल्कुल हल्का होता है, और साथ ही ये उनसे ज्यादा पतला भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब मॉनिटर के बारे में हम बता रहे हैं कि इस मॉनिटर का क्या वर्क है, ये सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द आया है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में कोई बताएगा? व्हाट इज सेमीकंडक्टर? अर्धचालक इसको बोल सकते हैं। हाँ, जैसे कि अर्धचालक। हाँ, जैसे कि आपने सुना होगा साइंस में कंडक्टर होता है, जैसे सुचालक होता है, कुचालक होता है, वैसे ही अर्धचालक आपका होता है। और अर्धचालक को ही सेमीकंडक्टर बोला जाता है, क्योंकि जब तक हम इसमें जो है इसमें लाइट, मतलब जब तक इसमें करंट नहीं मिलेगा तब तक इसमें लाइट पास नहीं होती है। एक प्रकार का सेमीकंडक्टर की बात हो रही है जिसको हम अर्धचालक के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसके बाद से जो नेक्स्ट मॉनिटर आता है वो है आपका क्वालिटी ऑफ मॉनिटर स्क्रीन। अगर कोई भी मॉनिटर स्क्रीन के बारे में बात करें तो उसकी क्वालिटी क्या होती है? एक जैसे कि मोबाइल में भी हम चलाते हैं, मोबाइल का भी तो स्क्रीन होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है? तो जैसे कह रहा है कि मॉनिटर के मुख्य लक्षण रिजोल्यूशन, मतलब आप उसमें देखा होगा आपने जैसे कि वीडियो की अगर रेजुलेशन अच्छी नहीं होती है तो वीडियो हमको नहीं दिखता, अच्छे से नहीं दिखता है। उसमें देता है सेलेक्ट करने के लिए कि कितने एमबी तक का आपका उसमें चलाना चाहते हैं। 720 करेंगे तो और भी उतना अच्छा से नहीं दिखेगा, 1040 करेंगे तो 1020 आता है, 1080 भी आता है। ये तमाम प्रकार के इसके रेजुलेशन होते हैं, जब वीडियो चलाते हैं उसमें ऑप्शन देता है, रेजुलेशन है, इसके बाद से रिफ्रेश रेट है, और डॉट पिच इंटरलेसिंग है, और नॉन इंटरलेसिंग बिट मैपिंग आदि है, जिनके आधार पर इनकी गुणवत्ता को परखा जाता है। मतलब जो हमारे मॉनिटर के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो आपका रेजुलेशन है, इसके बाद से रिफ्रेश रेट है, मतलब कह रहा है कि जो भी हमारा, मतलब क्या होता है उसमें जो भी रेखाएं निकलती हैं, चाहे जो भी उसमें स्क्रीन पे इमेज हमको दिखाई देता है, वो हमारा क्या होता है, जैसे कि जो भी हम उसमें सिलेक्शन करते हैं कितने एमबी तक का हमको चेक करना है उसमें, वो क्या होता है ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश भी होता रहता है। और डॉट पिच इंटरलेसिंग भी दिया हुआ है, मतलब जैसे कि जो डॉट बन रहा है उनके बीच में गैपिंग क्या आ रही है। और फिर कह रहा है कि नॉन इंटरलेसिंग बिट मैपिंग आदि है, जिनके आधार पर इनकी गुणवत्ता को परखा जाता है। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला ऑप्शन आता है आपका प्रिंटर। क्या आता है? प्रिंटर आता है। तो प्रिंटर के बारे में आपको पता ही है प्रिंटर क्या होता है? कह रहा है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर में डेटा है ये किस प्रकार के हम डेटा बोल सकते हैं, हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। अब इसी के जब प्रिंटआउट आप निकाल लेंगे तो यह डेटा आपका हार्ड कॉपी कहलाएगा। अभी जो प्रेजेंट में आपके कंप्यूटर में दिख रहा है एक प्रकार का आपका क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन जब इसी को कंट्रोल पी करके आप प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो यही कॉपी आपका हार्ड कॉपी हो जाता है। और देखिए इसमें प्रिंटर के प्रकार भी दिया हुआ है, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ प्रिंटर में इंपैक्ट दिया है, नॉन इंपैक्ट दिया हुआ है। तो जैसे कि प्रिंटर दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर आता है और दूसरा आपका लाइन प्रिंटर आता है। एक आपके कैरेक्टर में आपके डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजी व्हील आता है, और लाइन में ड्रम आता है, चैन आता है, और एक और प्रिंटर है इसका नाम आपका क्या है, बैंड प्रिंटर आता है। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए कॉपी में, इसको बना लीजिए कॉपी में। अब देखिए इसमें दो प्रकार का प्रिंटर आपका दिया हुआ है, एक आपका इम्पैक्ट होता है, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इम्पैक्ट के बारे में, तो
तो कौन कौन से ऐसे प्रिंटर है जिसको इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखा गया है? इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है? तो कह रहा है कि इंपैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इंपैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं, और कह रहा है कि जिसमें धातु का एक हैमर लगा होता है या प्रिंटेड होता है जो कागज व रिबन से क्या करता है, टकराता है। और इंपैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। इतने प्रकार के प्रिंटर आपके दिए गए हैं जो इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इंपैक्ट प्रिंटर भी प्रिंटर होते हैं जो अपना इंपैक्ट यानी कि प्रभाव भी छोड़ते हैं, और कह रहा है कि इसमें एक धातु का हैमर या प्रिंट हेड भी होता है। ये प्रिंटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसमें प्रिंटर में एक हैमर भी लगा होता है और प्रिंट हेड भी होता है जो कागज व रिबन से क्या करता है, टकराता है। और कह रहा है कि इंपैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला जो प्रिंटर आपका आता है यह है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और देखिए आप लिखा भी है कि यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है और अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा क्या करता है, शोर भी करता है। और कह रहा है कि इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स यानी कि समूह होता है, और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज के मध्य से एक संपर्क क्या एक स्पर्श से एक डॉट छपता है, और अनेक डॉट मिलकर के एक कैरेक्टर बनाते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम इस प्रिंटर के बारे में बात करें तो यहाँ से क्या हुआ, स्टार्टिंग देखिए, यहाँ से सबसे पहले कुछ डॉट छपा हुआ है, फिर कुछ डॉट यहाँ पे आया हुआ है, ऐसे जब कई सारे डॉटेज मिले हुए हैं तब ये लास्ट में आपका यस लेटर का निर्माण हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि इसके प्रिंट हेड की में अनेक पिनों का एक समूह भी होता है, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारा पिनों का यहाँ पे समूह भी दिया है, जैसे 7 पिन दिया हुआ है, 9 पिन दिया हुआ है, 18 पिन, 24 पिन दिया हुआ है। ये सब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बात हो रही है। और ये सबसे पहले एक डॉट छापेगा, ऐसे कई सारा जब डॉट मिल जाएगा तब ये एक कैरेक्टर को बनाने का काम करता है, एक अक्षर को बनाने का काम करता है। इस रेशियो से ये प्रिंटर क्या प्रभावी होगा, उतना अच्छे से काम करेगा, बहुत ही ज्यादा शोर भी करता है और बहुत ही धीमी गति का प्रिंटर। आप खुद सोचिए, अगर आज के प्रिंटर से हम कंपेरिजन करें तो क्या इस प्रिंटर का प्रयोग इस समय है? तो ये हाँ, इस प्रिंटर का प्रयोग हम लोग तो नहीं करते, रेलवे वगैरह में इसका प्रिंटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जैसे टिकट वगैरह काटने के लिए इसका प्रयोग होता है। बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है, बहुत ही ज्यादा आपने चेक भी किया होगा, जैसे टिकट काउंटर पे आप खड़े होते हैं तो बहुत ज्यादा शोर करता है तब प्रिंटिंग करता है, एक प्रकार का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो होता है। अरे छोटे छोटे डॉट से मिलकर के तब वो अक्षर बनता है, बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है। अब चलिए अगला जो प्रिंटर आता है, इसके बाद से अगला जो प्रिंटर है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। क्या दिया है? डेजी व्हील प्रिंटर। अब ये प्रिंटर का क्या वर्क है, तो देखिए इस प्रिंटर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कह रहा है कि यह ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड वाला इंपैक्ट प्रिंटर है, और इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। एक फूल होता है जिसको डेजी फ्लावर के नाम से जानते हैं, उसी फ्लावर्स के इसका मतलब मिलने की वजह से आकृति इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर दिया गया। और कह रहा है कि क्योंकि इसकी प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है और डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, और कह रहा है कि लेकिन इसकी आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है और इसीलिए उसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है, और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहलाता है, और इसकी प्रिंट हेड में एक चक्र या व्हील भी होता है जो यहाँ सामने दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो एक प्रकार का ये भी हमारा इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है ना? और यहाँ पे कह रहा है कि इसके प्रिंट हेड की आकृति मतलब इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, एक फ्लावर आपने नाम सुना होगा डेजी फ्लावर, उसी से इसका आकार मिलता जुलता है, इसीलिए उसी पुष्प के आधार पर इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर दे दिया गया। और इसके बीच में चक्र होने की वजह से यहाँ पे व्हील भी मतलब ये चक्र व्हील भी होता है जो कि आपको आकृति में यहाँ पे दिख पा रहा है, ठीक है? तो ये भी बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है। अब चलिए अगला क्या प्रिंटर आता है, इसके बाद जो अगला प्रिंटर यहाँ पे दिया है वो है आपका लाइन प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर की क्या वर्क है, तो कह रहा है कि यहाँ भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है और बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है, और उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं।
अभी मैंने आपको बताया है, सबसे पहले मैंने डॉट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। जो डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर होता है वो छोटे छोटे डॉट्स को छापता है, जब कई सारे डॉट्स मिलते हैं तब वो एक कैरेक्टर बनाता है। लेकिन इस प्रिंटर की क्या खासियत है, एक बार में एक लाइन छाप करके ये प्रिंट करता है। और यहाँ पे इसकी जो छापने की गति होती है वो कह रहा है कि 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। उसकी अपेक्षा तो काफी अच्छा है ना ये प्रिंटर, क्योंकि वो कैरेक्टर आपका छापता है, अक्षर छापता है, लेकिन ये एक बार में लाइन को छाप करके बाहर लेके आता है। ये भी धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसका प्रयोग हम बड़े कंप्यूटर के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की आवश्यकता करने के लिए करते हैं। और उच्च गति के जो प्रिंटर होते हैं ये उच्च गति का प्रिंटर है, और एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इसकी जो छापने की गति 300 से लेकर के 3000, मतलब 1 मिनट में ये चाहेगा तो 300 लाइन भी छाप सकता है और 3000 लाइन में भी छाप सकता है। अगला क्या दिया है, ये प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। और कह रहा है कि लाइन प्रिंटर भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो एक आपका आता है ड्रम प्रिंटर, एक आपका आता है चैन प्रिंटर, और तीसरा आपका आता है बैंड प्रिंटर, जो मैंने अभी नोट करवाया आपको। तो अगर ड्रम दिया गया है, ड्रम प्रिंटर, तो इसका क्या वर्क हो सकता है? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रम के ही जैसा मिलता जुलता दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर जो है ये ड्रम के ही जैसा मिलता जुलता है, इसके वजह से इसका नाम ड्रम प्रिंटर दिया गया। और यहाँ पे लिखा भी है कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं, और एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है, और ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं, और ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। मतलब ये जो आपने ड्रम देख रहा है, इसी ड्रम पे पूरा का पूरा अक्षर पहले से लिखा गया है, और जैसे ही ड्रम मूव करता है, रोटेट करता है, तो एक कंडीशन ये है कि एक बार में मात्र एक ही लाइन प्रिंट करके बाहर देता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये भी आता है किसके अंतर्गत, लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, और केवल इसकी स्ट्रक्चर ड्रम के जैसे मिलने की वजह से इसका नाम ड्रम प्रिंटर दिया गया। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एक प्रकार का आपका ड्रम है ये, और इसके पास यहाँ पे प्रिंट हैमर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे रिबन भी आपका दिया हुआ है, और ये आपका पेपर है। अब जैसे ही पेपर से स्पर्श होता है ड्रम, और ड्रम पे पहले से अक्षर लिखे गए होते हैं, और जैसे ही स्पर्श होता है तो क्या करता है, लाइन को छाप करके बाहर लेके आता है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है चैन प्रिंटर। तो जैसे साइकिल का जो चैन होता है ना, सेम उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर मिलता है। अभी मैंने आपको ड्रम के बारे में पढ़ाया है कि ड्रम में अक्षर लिखे गए होते हैं, लेकिन इसमें चैन में अक्षर लिखे गए होते हैं। और देखिए यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है, तेज घूमने वाली एक चैन होती है जिसे प्रिंट चैन कहते हैं, और चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं, और प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है, प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगा होता है जिससे हैमर कागज पर टकरा करके एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। इसका भी बिल्कुल स्ट्रक्चर उसी के जैसा है, बस दोनों में डिफरेंट क्या है, तो उसमें ड्रम में अक्षर लिखा गया था, और इसमें अक्षर किस पे लिखा गया है, चैन में अक्षर लिखा गया है, और ये भी जब मूव करेगा तो मात्र और मात्र एक ही लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप करके प्रिंट करेगा। देखिए जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो चैन बना हुआ है इसी चैन में पहले से अक्षर लिखा गया है, और जैसे ही हम इसके बीच में पेपर लेके जाते हैं तो ये जैसे ही मूव करता है तो मात्र एक लाइन पृष्ठ को छाप करके लेके आता है, एक प्रकार का चैन प्रिंटर। अब बैंड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, बैंड का भी तो यही वर्क होगा ना, इसका भी स्ट्रक्चर बैंड के ही जैसा होगा, लेकिन वो भी मात्र एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करेगा। तो ये सब हमारे लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, जिसको रखा जाता है किसके अंतर्गत, इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखा जाता है। अब चलिए अब इसके बाद से आता है नॉन इंपैक्ट। क्या आता है, नॉन इंपैक्ट। अब देखिए यहाँ पे नॉन इंपैक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है। अब ये किसकी बात हो रही है, नॉन इंपैक्ट की बात हो रही है। अभी मैंने आपको इंपैक्ट के बारे में पढ़ाया है कि जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें कागज और प्रिंट हेड के मध्य संपर्क होता है, तभी तो प्रिंट करके देता है, लेकिन ये ऐसा प्रिंटर है जिसमें कागज और प्रिंट हेड के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है, इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, और कह रहा है कि इसीलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें जो है जो तकनीक दी जाती है इसमें लेजर विधि द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है,
इसमें जो है प्रिंटेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं दिखाया जाता है। अब कौन कौन सा आता है, तो देखिए पहला लिखा हुआ है लेजर प्रिंटर, इसके बाद से आपका फोटो प्रिंटर आता है, इसके बाद से आपका इंकजेट प्रिंटर आता है, इसके बाद से आपका पोर्टेबल प्रिंटर आता है, इसके बाद से मल्टीफंक्शनल प्रिंटर है, और इसके बाद से थर्मल प्रिंटर। तो जैसे कि यहाँ पे हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें, तो जैसे कि लेजर प्रिंटर किस प्रकार की प्रिंटर है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पे काम करता है, और कह रहा है कि इस प्रिंटर में ऐसा कॉटेज प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही पाउडर होता है। मतलब आप दो प्रिंटर आपने देखा होगा, ये जो कॉटेज होता है जिसमें इंक भरा जाता है, ये ऐसा प्रिंटर है इसके कॉटेज में सूखी स्याही भरा जाता है, पाउडर टाइप का स्याही भरा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लेजर विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। और फिर इसमें लिखा है जिसे टोनर कहते हैं, क्या कहते हैं? टोनर कहते हैं, मतलब जिसमें हम इंक भरते हैं, जिसमें हम पाउडर भरते हैं, उसकी जगह को हम क्या नाम देते हैं? टोनर नाम देते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है साथ ही इसमें लेजर किरण उत्पन्न करने वाला एक लेजर स्रोत भी होता है, और कह रहा है कि सामान्यतः लेजर प्रिंटर में अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर, रैम तथा रोम होता है, और इसके रोम में प्रिंटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोग्राम लोड होते हैं, और लेजर प्रिंटर की छपाई की जो क्वालिटी होती है वो सबसे अच्छी होती है। और फिर कह रहा है कि इसकी जो गति होती है 1 पेज से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट की होती है। अभी तो मैंने आपको बताया लाइन प्रिंटर के बारे में, मैंने आपको बताया है ना, तो लाइन प्रिंटर के भी बारे में मैंने आपको बताया है, इसके साथ साथ मैंने आपको डॉट मैट्रिक्स के भी बारे में बताया। उसकी अपेक्षा अगर हम इस प्रिंटर की बात करें तो उससे काफी अलग प्रिंटर है यह, क्योंकि इसमें पेज की बात हो रही है और लाइन में लाइन की बात हो रही है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट की छपाई करता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेजर विधि द्वारा तकनीक दी जाती है, लेजर प्रिंटिंग द्वारा इसको प्रिंट किया जाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में छपाई के लिए किया जाता है, जैसे कि इसका जब ज्यादा मात्रा में आपको प्रयोग करना हो, ज्यादा मात्रा में कोई प्रिंट वगैरह करना हो, इसके लिए ज्यादा मात्रा में इस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है कि यह रंगीन प्रिंटिंग को भी उतने अच्छे से कर पाता है, उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, साथ ही ये बहुत महंगा व भारी भी होता है। इस प्रिंटर की क्वालिटी ये है कि ये प्रिंट करने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, लेकिन ये रंगीन प्रिंटरों में उतना अच्छे से प्रयोग अपना नहीं कर पाता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है साथ ही ये बहुत ज्यादा क्या होता है, महंगा भी होता है व भारी भी होता है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, तो देखिए कह रहा है कि उच्च रेजुलेशन का मतलब इसके जब प्रिंट निकलेगा तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकलेगा, आप आसानी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, उच्च प्रिंट गति, मतलब इसकी जो प्रिंट करने की गति है वो भी हाई कैपेसिटी की है। और तीसरा क्या लिखा हुआ है, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप इंक्वायरी लेने आए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि आपको 1 से लेकर के 70 पेज का आपको टैली का नोट्स भी दिया जाता है, बताया गया है नहीं बताया गया है? 1 से लेकर के 70 पेज का आपको टैली का नोट्स दिया जाएगा, अभी नहीं जब टैली का क्लास स्टार्ट होगा तब, तो उस नोट्स को तैयार करने के लिए इसी प्रिंटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ब्रदर कंपनी का भी आता है, एप्सन कंपनी का भी आता है, एचपी कंपनी का भी आता है, ये सब एक प्रकार के लेजर प्रिंटर होते हैं जिसकी प्रिंट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, प्लस इसकी मतलब क्वांटिटी भी बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ही फास्ट प्रिंटिंग करता है। और कह रहा है कि कम कीमत प्रति पीस छपाई, इसकी छपाई में सबसे ज्यादा कीमत की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है, कोई दिक्कत? तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है? आज मैंने कोई प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया, तो वही अपना टाइपिंग वगैरह तब तक करिएगा आप लोग, ठीक है? इसके पहले जो मैंने प्रिंट मतलब आपको बताया।